अच्छा हेलो गाइस, हाँ सब ज्वाइन कर चुके हैं। जिस पर टाइमिंग हो चुका है तो हम स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिकली आज का जो हमारा वेबिनार करने का मेन पर्पस है और मेन जो टॉपिक है वो है F&O के बारे में। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, और फिर भी हम ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में। कुछ भी चीज़ ट्रेड करने से पहले बेसिकली आज के सेशन में जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। मेनली आज का टॉपिक फ्यूचर के ऊपर रहेगा और थोड़ा बहुत हम अगर टाइम बचा तो कॉल के ऊपर भी टच करेंगे। ज़्यादा बड़ा सेशन इसको नहीं रखेंगे। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो कवर करने वाले हम। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में क्या होता है, फ्यूचर्स बेसिकली बनाया क्यों गया है। तो सबने सुना होगा, सब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग बर्बाद हो जाते हैं और आप किसी से भी पूछोगे कि सबसे बड़ा लॉस उनको मार्केट में कहाँ लगता है तो सब यही बोलते हैं कि F&O के अंदर ही सबसे बड़ा लॉस लगता है। लाखों का लॉस होता है, किसी को करोड़ों का लॉस भी होता है, 50 लाख। अच्छा, आपने अगर एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड के फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको बोला होगा कि नहीं, शेयर मार्केट मत करो, ये सट्टा बाजार है, शेयर मार्केट में आज तो कोई ऊपर आया नहीं है ना, शेयर मार्केट में आज तक तो किसी ने कमाया है। तो मैं सिर्फ एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि नो डाउट F&O एक रिस्की सेगमेंट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस काफी रिस्की है, बट हमें ये F&O को, अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम अगर बेसिकली पूरा डीप में अंडरस्टैंडिंग और सब कुछ हम अगर समझ के करते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। इतना भी मुश्किल नहीं है, बट सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें लर्निंग होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि F&O होता क्या है, कितना मेरा रिस्क है, उसको रिस्क को मैं कैसे अवॉइड करूँ, उस रिस्क को कैसे हेज करूँ। तो बेसिकली एक चीज जैसे है कि अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप ना तो स्विमिंग पूल में कूदेंगे, ना किसी दरिया में कूदेंगे, ना नदी में कूदेंगे। अगर आप बिना तैरना जानने आप अगर कूद जाते हैं तो सिर्फ एक ही होता है कि आप मर जाते हैं। F&O के अंदर भी यही है, आपको पता होना चाहिए F&O है क्या। अगर आपको ये पता रहेगा कि आपको इस F&O के दरिए में कैसे तैरना है तो आप तैर लेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो डूब ही जाएंगे। देखते हैं, बात करते हैं कि मार्केट क्या, दो तरह के मार्केट होते हैं, राइट? एक तो होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। एक होता है हमारा स्पॉट मार्केट, एक होता है हमारा डेरिवेटिव मार्केट। तो स्पॉट मार्केट सबसे बड़े जो स्पॉट मार्केट है, जो इंडिया में भी चलते हैं और बाहर भी चलते हैं, वो सबसे बड़ा होता है। एक तो इक्विटी मार्केट, इक्विटी से भी बड़ा होता है बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट, और एक होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में जैसे हमारा सोना है, चांदी है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो गई, वो सारा ट्रेड होता है। और इक्विटी मार्केट में ऑब्वियसली कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। एक दूसरा मार्केट है डेरिवेटिव्स मार्केट, वहां पे फ्यूचर्स ऑप्शंस और फॉरवर्ड ट्रेड होते हैं। तो F&O का जो मार्केट है उसको कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। तो जैसे एक ब्रीफ बैकग्राउंड है मार्केट्स का कि इक्विटी मार्केट इंडिया में रेगुलेटेड होता है सेबी से। तो इक्विटी मार्केट में TCS, रिलायंस, SBI, हमने कितने शेयर्स को ट्रेड किया है, वैसे ही एक होता है इक्विटी मार्केट की तरह बॉन्ड मार्केट, जहाँ पे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, इस तरह के बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं। फिर जैसे कि मैंने कहा, एक तीसरा मार्केट होता है कमोडिटी मार्केट, जहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो गई, प्रीशियस मेटल्स हो गए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, वो सब ट्रेड होते हैं। तो बेसिकली तीन तरह के स्पॉट मार्केट आपने देख लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा डेरिवेटिव्स मार्केट को के ऊपर है, और आज का टॉपिक है। आगे हम कुछ और सेशंस लेंगे, वो सारा डेरिवेटिव्स मार्केट के ऊपर रहता है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव मार्केट के अंदर डेरिवेटिव शब्द को हमें समझना पड़ेगा कि डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है। तो बेसिकली ये समझना हमें जरूरी है कि डेरिवेटिव्स एक कॉन्ट्रैक्ट है। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। दो पार्टीज होती है, बायर एंड सेलर। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अपना वैल्यू है वो एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी से डिराइव करता है, जनरेट करता है। और जैसा कि हर कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी एक दिन एक्सपायर हो जाता है। तो बेसिकली जो हमें समझना है कि फ्यूचर्स मार्केट एक्चुअली होता क्या है।
तो सबसे पहले फ्यूचर्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्यूचर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ से आई, फ्यूचर्स की जरूरत कहाँ पड़ी। तो सबसे इजी फ्यूचर्स को सबसे इजीली हम समझ सकते हैं कमोडिटी से। और कमोडिटी में सबसे बेसिक कमोडिटी को हम एक एग्जांपल के तरह मैं लेता हूँ। जैसे मैं एक फार्मर हूँ, राइट। मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास 100 एकर्स की लैंड है। ये है कि कटाई के दौरान मेरे को 100 एकड़, उस 100 एकड़ की जमीन से मुझे 100 टन का अनाज मिला, 100 टन का मेरे को वीट मिला। अब वो मैंने वीट को अपने गोदाम में रख रखा है और मैं उसको आज अगर मार्केट में बेचना चाहूँ तो मार्केट में वीट का पर टन का 12,000 पर टन के हिसाब से रेट चल रहा है आज। तो मैं मेरा 100 टन की जो यील्ड है, जो मेरा वीट है, उसको मैं आज डिलीवरी देके पैसा गिन और पेमेंट लेके मैं उसको सेल कर सकता हूँ। बट एक सिनेरियो ये है कि मेरे फार्म लैंड के अंदर मैंने आज उस फसल को लगाया है, वो फसल मुझे अप्रैल में मिलेगी। मेरे पास जो 100 टन्स का वीट है वो मुझे अप्रैल में मिलेगा, मेरे को आज मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आज वो मेरी बंजर जमीन है, उसमें मैंने अभी फार्मिंग की रखी है, वो बीज मैंने बो दिए है, बट मेरे पास अभी तक वो गेहूं नहीं आया है। वो मेरे को अप्रैल में मिलेगा, मेरी लैंड मेरे को अप्रैल में देगी। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है जिससे मैं अप्रैल में मिलने वाली चीज को आज ही सेल कर दूं? तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्राइस का मैकेनिज्म है, आज मैं कोई चीज सेल करना चाहता हूँ लेकिन उसकी मैं डिलीवरी वो दूंगा मैं अप्रैल में, तो वो हो सकता है आपका फ्यूचर्स मार्केट के अंदर। मैंने आज ये सोच के फसल लगाई है कि मुझे 12,000 पर टन के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अप्रैल आते आते क्या पता वो 12,000 की जगह 8,000 भाव हो जाए, 9,000 भाव हो जाए। तो मेरा रिस्क है कि ये कहीं 3 महीने में ये भाव ना गिर जाए, मेरे वीट की जो फसल है। तो उसकी रिस्क को मैनेज करने के लिए फ्यूचर्स के अंदर मैं ये कर सकता हूँ कि एक फ्यूचर्स मैं सेल कर सकता हूँ, अप्रैल का फ्यूचर्स। सो राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि एक फार्मर है, उसकी रिस्क है, उसकी रिस्क को उसने मैनेज किया है बाय सेलिंग अ फ्यूचर। वैसे ही क्योंकि ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अगेंस्ट में एक बायर है, राइट। वो बायर कोई भी हो सकता है, वो बायर एक फ्लोर मिल हो सकता है जिसका रिस्क है कि कहीं प्राइस बढ़ ना जाए। उसको उस रिस्क को मैनेज करना है, उस बायर को रिस्क को मैनेज करना है। सेलर है, फार्मर है, उसने अपना रिस्क, प्राइस गिर जाए उसको उसको फ्यूचर्स मार्केट में उसने हेज किया है। और एक फ्लोर मिल है जिसको व्हीट रिक्वायर्ड होता है आटा बनाने के लिए, उसका रिस्क है कि कहीं फ्यूचर में वो भाव बढ़ ना जाए, तो उसने आज ही प्राइस को लॉक कर दिया है। दोनों फार्मर और फ्लोर मिल ने आज ही उस प्राइस को लॉक कर दिया है कि अप्रैल में क्या भाव होगा। चाहे प्राइस कोई भी हो, फ्लोर मिल को फार्मर से 12,100 में वो अप्रैल के अंदर परचेज करना पड़ेगा, और फार्मर को चाहे प्राइस कोई भी हो, चाहे 15,000 भी प्राइस हो जाए, फार्मर को फ्लोर मिल को डिलीवरी उस कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसको ऑनर करना पड़ेगा, तो वो देना पड़ेगा उसको। तो बेसिकली फ्यूचर्स के अंदर, फ्यूचर्स का थोड़ा डीप नॉलेज मेरा देने का यही मतलब था कि हम ये ना समझे कि फ्यूचर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम खरीद लिया बेच दिया, जाके मार्केट में 10, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए के लिए हमने खरीद लिया, क्योंकि ये फ्यूचर्स हमेशा लॉट साइज में ट्रेड करता है, तो 5 रुपए, 10 रुपए के लिए हमने ट्रेड कर दिया। सो बेसिकली फ्यूचर्स एक ये स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जहाँ हम दाव लगा दे मार्केट में, सट्टा लगा दे। फ्यूचर्स एक बहुत ही सोच के समझ के लाया हुआ मार्केट एक प्रोडक्ट है जिससे बायर है, सेलर है, वो अपना रिस्क मैनेज करता है। इंडिया में ऑब्वियसली बात है, हमारे फार्मर्स इतने के पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि वो कैसे अपने जो फसल आने वाली है उसको कैसे रिस्क को उसको मैनेज करें। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर बेसिकली जो टूल्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंडिया के अंदर जो वो मैंने जैसे सबसे फर्स्ट लाइन ये है कि फ्यूचर्स आर बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट टू हेज द रिस्क एंड नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू स्पेक्यूलेट। तो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स देती है और स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी फ्यूचर्स हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स हैं हमारे पास, और एक फाइनेंशियल निफ्टी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के फ्यूचर भी लास्ट जनवरी के अंदर लॉन्च हुए थे। और उसके बाद फ्यूचर्स हमारे 140 फ्यूचर्स हैं स्टॉक्स के। तो बेसिकली एक नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा कि फ्यूचर्स मार्केट, इक्विटी मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है।
आपने इक्विटी को हम ओवरनाइट कभी शॉर्ट नहीं कर सकते, शॉर्ट करना बहुत मुश्किल है। हम इंट्राडे के अंदर उसको सेल कर सकते हैं, हम इंट्राडे के अंदर उसको बाय करके रख सकते हैं। बाय को हम ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं। आज हमने बाय किया, हम 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने तक हम उसको बाइंग को पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बट इक्विटी को शॉर्ट पोजीशन आप होल्ड नहीं कर सकते। आप इक्विटी को सेल कर रहे हैं तो आप इंट्राडे ही कर रहे हैं, और आप इंट्राडे में उसको वापस से आपको कवर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने इक्विटी के पास, आपके पास डिलीवरी नहीं है और फिर भी आपने उसको सेल किया, और उसको ओवरनाइट आप 1 महीना, 2 महीना या 10 दिन, 15 दिन आप उसको कैरी करना चाहते हैं, तो सेल पोजीशन आप इक्विटी में कैरी नहीं कर सकते हैं। आपको इंट्राडे के अंदर उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। तो ये अगर किसी का व्यू बेरिश है मार्केट में या किसी स्टॉक के ऊपर, तो क्योंकि वो इक्विटी में डायरेक्टली उसका सेल पोजीशन ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकता है, तो वो सेल पोजीशन वो फ्यूचर्स के थ्रू कैरी कर सकता है, कल के लिए, परसों के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जब तक उस फ्यूचर का जो की एक्सपायरी है तब तक वो उसको कैरी कर सकता है। ये तो हो गया स्टॉक की बात। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी, जैसे कि ये इंडेक्सेस हैं, तो ये बेसिकली इंडेक्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक निफ्टी आपने खरीद लिया, 15,000 का एक निफ्टी आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, या 1-30 हजार का बैंक निफ्टी 1 शेयर आप परचेज कर सकते हैं। नहीं, आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं होते हैं मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं मार्केट में। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आप पोजिशंस फ्यूचर्स के थ्रू ले सकते हैं। डायरेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई शेयर नहीं है जो ट्रेड होता है। नेक्स्ट है कि फ्यूचर, ऑब्वियसली बात है, एक हेजिंग के टूल्स हैं। आपने एग्जिस्टिंग आपके पास शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर आप हेजिंग कर सकते हो फ्यूचर्स के थ्रू। फ्यूचर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सबका सबसे ज्यादा लॉस होता है फ्यूचर्स के अंदर, क्योंकि फ्यूचर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लेवरेज कर सकते हैं। लेवरेज का मतलब हो गया कि थोड़ा पैसा देके ज्यादा माल ले लिया आपने, राइट? आप फ्यूचर्स के थ्रू, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, मैं टीसीएस का, टीसीएस के 300 शेयर्स का लॉट है, तो अगर आप टीसीएस की डिलीवरी लेते हैं 300 शेयर्स की, तो 3100 आज का जो प्राइस है उसके हिसाब से आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी 9.3 लाख की। 9.5 लाख रुपए, 9 लाख, 9.25 लाख, 9 लाख रुपए आपको रिक्वायर्ड रहेंगे टीसीएस को खरीदने के लिए डिलीवरी में। बट फ्यूचर्स की पोजीशन आप ले सकते हो 2 लाख रुपए में। तो बेसिकली आप फ्यूचर्स के अंदर ये एक फैसिलिटी मिलती है आपको कि आप 2 लाख रुपए में 9.5 लाख रुपए का माल परचेज कर रहे हो। इसको कहते हैं लेवरेजिंग। आपने 5 टाइम्स 2 लाख से 10 लाख का माल लिया कोई, तो बेसिकली ये लेवरेजिंग होती है। फ्यूचर्स आपको लेवरेज करने में हेल्प करता है। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज है कि फ्यूचर्स, हर फ्यूचर लॉट में ट्रेड होता है, राइट? एक एक शेयर ट्रेड नहीं होता। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एनएससी जो है वो फिक्स करता है लॉट साइज इनटू प्राइस। जैसे आज का निफ्टी का अगर हम बात करें, तो निफ्टी अभी 15,000 पे सपोज चल रहा है, और निफ्टी का लॉट साइज है 75 का, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 11,25,000 की, 11 लाख रुपए का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है निफ्टी में। निफ्टी का अगर आपको फ्यूचर्स परचेज करना है, तो उसका मार्जिन रिक्वायर्ड जो होता है वो है 1,75,000, राइट? तो आप निफ्टी का जो, अगर आपको सपोज फ्यूचर बाय करना है, सेल करना है, तो उसका कुछ पेमेंट करना पड़ता है आपको। अकाउंट में कुछ मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, तो उसको वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। वो नॉर्मली निफ्टी स्टॉक स्टॉक हो गया, निफ्टी हो गया, 15-20% होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। 10 लाख के ऊपर हो सकता है आपको 1.5 लाख का मार्जिन देना पड़े। कोई 5 लाख का या 6 लाख का अगर कोई लॉट लॉट साइज है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, तो उसके ऊपर आपको हो सकता है 60,000 के अंदर आपको मार्जिन देना पड़े। फिर उसके बाद एक एक्सपायरी डेट का कॉन्सेप्ट है कि हर कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। जैसे करंट मंथ का जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है फेब्रुवरी मंथ के, वो 25 फेब्रुवरी को एक्सपायर हो जाएंगे। अब जो डेट्स डिसाइडेड होती है, 25 फेब्रुवरी फ्यूचर्स फेब्रुवरी ही क्यों ये एक्सपायरी है, बेसिकली हर महीने का लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होती है। हर महीने के लास्ट थर्सडे को उस सीरीज के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, सेटल होते हैं। सेटलमेंट होता है एक्सपायरी के दिन।
एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट, कैश सेटलमेंट और फिजिकल सेटलमेंट, दो तरह के सेटलमेंट होते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर। आपके इंडेक्स के फ्यूचर्स जो है वो कैश के अंदर ही सेटल होते हैं, क्योंकि इसमें निफ्टी की कोई डिलीवरी नहीं होती। फिजिकल सेटलमेंट होता है शेयर्स के अंदर। सो बेसिकली अगर फिजिकल सेटलमेंट अगर आपको समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने 3,000 के ऊपर एक TCS का कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है और उसकी प्राइस हो गई 3,100 की, राइट। तो जो जिसने फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट, जो बायर है, उसको एक्सपायरी के दिन 300 शेयर्स TCS के डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और जो सेलर है फ्यूचर्स का, उसको वो डिलीवरी देनी पड़ेगी, और जो प्राइस डिसाइडेड है वो है 3,000 रुपीज। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है फ्यूचर्स के अंदर मार्क टू मार्केट का, वो हम अगली साइड साइड में एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्यूचर्स के अंदर एक रिस्क क्या होता है फ्यूचर्स के अंदर, हमने क्योंकि सुना है कि काफी लोगों को सबसे ज्यादा लॉसेस फ्यूचर्स में होते हैं, तो फ्यूचर्स के अंदर बेसिकली रिस्क क्या है? फ्यूचर्स के अंदर सबसे बड़ा रिस्क उसी से आता है कि आपने 10 लाख रुपए का निफ्टी 1.5 लाख रुपए में खरीदा, या 2.25 लाख, 2.25 लाख रुपए में खरीदा आपने, 1,75,000 के अंदर आपने 10 लैक्स की निफ्टी परचेज की है। तो इससे क्या होता है, आपके जो आपने 5 टाइम्स का लेवरेज लिया, 5 गुना, आपने 2 लाख, 10 लाख का माल 2 लाख में परचेज किया है, इसका मतलब आपने सिर्फ 20% मार्जिन पेमेंट किया है। तो इससे क्या होता है, आपके, क्योंकि लेवरेज आपने 5 टाइम्स लिया है, तो आपके प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा होंगे और लॉसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं फ्यूचर्स में। अब सपोज निफ्टी जैसे 15,000 पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का फ्यूचर बाय करने के लिए मार्केट के अंदर अभी 1.75 का मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। निफ्टी की 15,000 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आती है 11,25,000 की। निफ्टी अगर सपोज यहाँ से 10% इंक्रीज करता है, 1,500 पॉइंट अगर यहाँ से ऊपर जाता है, तो वो 1,500 × 75 लॉट साइज आपका प्रॉफिट होता है 11,25,000 रुपए का। आपने इन्वेस्टमेंट जो आपका कैपिटल फ्यूचर को बाय करने के लिए डाला था वो था 1,75,000 का, तो रिटर्न जो आपका 1,75,000 के ऊपर आपको रिटर्न मिला है 1,10,000 का, वो था 65% ऑफ द रिटर्न। और ये रिटर्न की वजह से 1,75,000 से आपका अकाउंट बैलेंस चला जाएगा 2,85,000 का, राइट। यही चीज अगर आपने निफ्टी अगर सपोज इन केस अगर निफ्टी को अगर एक तरह से इक्विटी को अगर मान के चले, तो अगर 11 लाख के ऊपर आपका 10% इंक्रीज हुआ है तो 1,10,000 का प्रॉफिट है। तो क्योंकि आपने 5 टाइम्स का यहाँ पे लेवरेज लिया है, तो इस वजह से आपका जो रिटर्न है वो 65% है। निफ्टी 10% इंक्रीज हुआ है बट आपका रिटर्न 65% है। तो यही है लेवरेज, और इसीलिए फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट्स आपके बहुत अच्छे होते हैं। द सिंपल रीजन इज लेवरेज। बट लेवरेज जो है इसको कहते हैं डबल एज स्वॉर्ड, दो धारी तलवार। अगर 10% निफ्टी चढ़ भी सकता है तो निफ्टी 10% गिर भी सकता है, और जब निफ्टी 10% गिरेगा तो आपका जितना प्रॉफिट हुआ था 1,10,000 का, उतना उतना लॉस भी होगा 1,10,000 का, और मार्जिन आपने 1,75,000 रुपये दिया है, आपका 65% या 70% आपका कैपिटल सिर्फ 10% फॉल में वाइप आउट हो जाता है। अकाउंट आपका वाइप आउट हो जाएगा 10% फॉल से, बिना हेजिंग के। फ्यूचर्स के अंदर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और प्रॉफिट्स को देख के ही लोग फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, बट लॉसेस भी इम्पोर्टेंट है हमें फ्यूचर्स के अंदर देखना, राइट। तो सबसे बड़ी, सबसे सिंपल एडवाइस है कि स्मॉल कैपिटल के साथ आप फ्यूचर्स में ट्रेड ना करें, और बिना हेज के फ्यूचर्स में ट्रेड ना करें। बिना हेज के या तो आपकी कैपिटल अच्छी है, आपके पास 11 लैक्स का कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो आप होल्ड करो निफ्टी को। अगर नहीं होल्ड कर सकते तो विदाउट नॉलेज ऑफ हेजिंग तो आप हेज करो उसको निफ्टी का। अगर आपने ट्रेड लिया है स्मॉल कैपिटल के अंदर, हमें फ्यूचर्स ट्रेड तो करना नहीं है, और अगर ट्रेड करना है तो अगर स्मॉल कैपिटल के बावजूद भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको हेजिंग बहुत मस्ट है आना, राइट। तो फ्यूचर्स का जैसे हमने देखा कि सबसे काफी बड़ा रिस्क होता है हमारा, लॉसेस हमारे बहुत ज्यादा होते हैं फ्यूचर्स का, हमारा अकाउंट हमारा वाइप आउट होना बहुत आसान काम हो जाता है फ्यूचर्स में।
बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो उसको उस रिस्क को हम कैसे मतलब अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज कोई ट्रेडर है, उसने आपको यस बैंक तो सबको पता ही होगा, यस बैंक का सपोज वो फ्यूचर 400 पे ट्रेड कर रहा था किसी वक्त पे। किसी ने यस बैंक का फ्यूचर्स अगर 400 पे बाय किया है और आज उसका फ्यूचर आज वो 14 रुपीज पे आ गया है, तो वो जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा वाइप आउट हो गया। तो मतलब आप कितना बड़ा रिस्क है, 400 से सीधा 14, और उस वक्त लॉट साइज भी 1,000, 2,000, 5,000, मतलब बेसिकली आपका सिर्फ एक ही लॉट के अंदर, एक ही फ्यूचर के लॉट के अंदर 10 से 12 लाख रुपए, 5 लाख, 7-8 लाख रुपए का आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया, राइट। तो और ये तो हो गया आपका लॉन्ग पोजीशन। अगर सपोज किसी ने निफ्टी शॉर्ट किया है फेब्रुवरी में या जनवरी में, जनवरी 2020 की बात करो, मार्च के अंदर वो वही निफ्टी 7,600 पे आ गया था, शॉर्ट के अंदर भी देख लो, मतलब आप देख सकते हो कितना बड़ा लॉस होता है। सॉरी, मार्च मार्च 20 के अंदर 7,600 के अंदर काफी लोग थे कि यार अब निफ्टी अब 5,000 जाएगा या 6,000 जाएगा, मैं तो 5,000 पे बाय करूंगा, अब और नीचे जाएगा 7,600 से भी। तो वहां पे अगर सपोज 23 मार्च को अगर किसी ने निफ्टी सेल कर दिया है, आज वो निफ्टी 15,000 पे आ गया है, उसका लॉस हो चुका है 10,000। अगर वो आज भी उस फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर रहा है, जो कि लोग करते हैं, लोग लॉस के पोजीशंस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट्स की पोजीशन को 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 के प्रॉफिट में निकल जाते हैं, बट लाखों का लॉस होल्ड करते हैं। तो इस रिस्क को, अनलिमिटेड लॉसेस के रिस्क को हम कैसे मैनेज करें, तो ये होता है आप इस रिस्क को ऑप्शंस के थ्रू ही आप मैनेज कर सकते हो। अनलिमिटेड लॉसेस, अनलिमिटेड रिस्क होते हैं फ्यूचर्स के अंदर। एक मार्केट मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट है फ्यूचर्स के अंदर, जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने सपोज आज दिन के दौरान 15,000 में निफ्टी का फ्यूचर एक बाय किया है 15,000 पे, और निफ्टी की आज की क्लोजिंग आ गई 15,100 की, तो आपको अपने पोजीशन के अंदर बेसिकली 7,500 का प्रॉफिट दिखेगा, तो वो 7,500 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपको आपका पर डे का प्रॉफिट एंड पर डे का लॉस फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में आपको अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट होते रहेंगे। आपका सपोज आज 7,500 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपके अकाउंट में 7,500 का प्रॉफिट, एम टू एम बोलते हैं, मार्क टू मार्केट, वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और सपोज नेक्स्ट डे मार्केट अपर 200 पॉइंट गिर जाता है और 15,000 का लॉस होता है, तो वो 15,000 भी आपके मार्केट से डिडक्ट हो जाएंगे। अगर सपोज लॉसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, तो आपको हो सकता है किसी ने ट्रेड किया हो, तो हो सकता है किसी के पास वो जीरोधा का या कोई आपका ब्रोकर है, उसने आपको मेल आया हो या मैसेज आया हो कि भाई आपका जो मार्जिन है वो शॉर्टफॉल हो गया है। क्योंकि ये शॉर्टफॉल इसलिए होता है क्योंकि मार्क टू मार्केट एमटीएम आपका एडजस्ट हो जाता है, आपके लॉसेस एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे निफ्टी सपोज 10% का फॉल आ जाता है, और हमने देखा कि 10% फॉल यहाँ पे 1,10,000 का आपका लॉस हो जाता है, तो क्योंकि आपको एनी टाइम आपको 1,75,000 का वो मार्जिन आपको अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको मार्जिन का कॉल आएगा क्योंकि आपका मार्जिन अब रिड्यूस हो चुका है, एमटीएम आपका लॉस डिडक्ट हो चुका है, तो आपका मार्जिन का कॉल आएगा। अगर आप मार्जिन पे उस फ्यूचर्स पोजीशन को या तो आप स्क्वेयर ऑफ कर दो, लॉस बुक करो, या फिर उसको उस फ्यूचर्स की पोजीशन को आपको होल्ड करना है और आगे भी क्वेरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको मार्जिन फ्रेश फंड्स आपको अकाउंट में डालने पड़ेंगे और मार्क टू मार्केट आपको मार्जिन आपको 1,75,000 के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा फ्यूचर्स के लिए, निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए। और भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसका फ्यूचर्स का मार्जिन हो सकता है 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, वो सारा मार्जिन आपका स्टॉक कितना वोलेटाइल है या कितना उतार चढ़ा है उस शेयर के अंदर या फ्यूचर के अंदर, उसके ऊपर डिसाइड करता है। तो एक्सचेंज विल गिव डेली एमटीएम प्रॉफिट इन अकाउंट एंड इन केस ऑफ लॉस एक्सचेंज विल डेली टेक एमटीएम लॉस फ्रॉम अकाउंट टिल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर और वी एग्जिट आर फ्यूचर पोजिशन, राइट। फ्यूचर्स के अंदर मार्केट के अंदर का जो जो नए हैं मार्केट में, उन्होंने सुना होगा कि लॉन्ग मार्केट को लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, फ्यूचर्स लॉन्ग करो, फ्यूचर्स शॉर्ट करो, तो बेसिकली ये जो May I request everyone to keep your mics on mute? Ankesh, if you can put
राइट तो फ्यूचर्स के लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग क्या होता है और शॉर्ट क्या होता है? तो सिंपल वर्ड्स में अगर लॉन्ग का बोले तो लॉन्ग का मतलब हो गया बाय, लॉन्ग का मतलब आप हो गए बुलिश, सॉरी नॉट बुलिश, लॉन्ग का मतलब बुलिश नहीं होता है, दैट्स अ मिसकंसेप्शन, लॉन्ग का मतलब बुलिश नहीं होता और शॉर्ट का मतलब बेरिश नहीं होता, लॉन्ग का मतलब होता है बाइंग पोजिशन और शॉर्ट का मतलब होता है सेलिंग पोजिशन। तो अगर कोई कहता है कि निफ्टी में आप लॉन्ग करो तो इसका मतलब आप निफ्टी बाय करो, राइट right? अगर आपको कोई बोलता है कि निफ्टी का 15,000 का कॉल ऑप्शन बाय करो तो इसका मतलब आप लॉन्ग करो, तो इसका मतलब हो गया कि आप उस 15,000 के निफ्टी के कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में आप लॉन्ग पोजिशन मतलब बाय पोजिशन लो। अब सपोज कोई बोलता है कि निफ्टी के 14,500 के पुट में आप लॉन्ग पोजिशन लो, राइट right? तो लॉन्ग पोजिशन पुट के अंदर लॉन्ग पोजिशन, तो पुट की लॉन्ग पोजीशन मतलब आपने पुट बाय किया, पुट बाय किया तो एक ऑप्शंस का क्योंकि अभी सेगमेंट हम अभी कवर करेंगे बट फिर भी मैं बता देता हूँ, पुट का पुट अगर आप बाय कर रहे हो तो इसका मतलब आपने बेरिश व्यू है आपका, बेरिश व्यू मतलब आपका व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट अगर आपका व्यू है मार्केट गिरेगा तो आप पुट बाय करोगे, मार्केट अगर आपका व्यू है मार्केट चलेगा ऊपर चढ़ेगा तो आप कॉल बाय करोगे। तो बेसिकली आप देखो कॉल ऑप्शन के अंदर लॉन्ग मतलब कॉल बाय, और उस कॉल ऑप्शन की बाइंग से आपने निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बुलिश पोजीशन ली है, बाय की पोजीशन ली। वैसे ही 14,500 के निफ्टी के पुट में लॉन्ग पोजीशन का मतलब है कि आपने 14,500 का निफ्टी का पुट बाय किया है और उस निफ्टी के पुट को बाय करने से आपने मार्केट के ऊपर आपने सेल का व्यू लिया है, सेल का पोजीशन लिया है, बेयरिश पोजीशन लिया है। वैसे ही वैसे शॉर्ट का मतलब होता है सेल, कोई बोलता है टीसीएस में आप शॉर्ट करो मतलब टीसीएस को बेचो, कोई बोलता है टीसीएस को लॉन्ग करो मतलब टीसीएस को खरीदो, टीसीएस के कॉल को लॉन्ग करो मतलब टीसीएस के लॉन्ग आप बाय करो, टीसीएस का लॉन्ग पुट को शॉर्ट करो मतलब आप पुट को बेचो। जैसे कि मैंने बोला पुट को बेच सकते हैं खरीद सकते हैं, हर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स हो चाहे ऑप्शन हो दो पार्टीज होती है बायर एंड सेलर, तो आप पुट को बाय भी कर सकते हो सेल भी कर सकते हो। मैं अभी ओपन करने वाला हूं, अगर किसी को फ्यूचर्स के बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है कि फ्यूचर्स एक्चुअली क्या होता है। हेलो सर, एक बात पूछना था सर। सर जैसे फ्यूचर्स आपने कहा कि मैंने उसके फोर मैंने जैसे अभी प्रेजेंट में है तो उसके दो हफ्ते तीन हफ्ते एक महीने के बाद की पोजीशंस को हम व्यू में लेके सर इसको बाय या सेल करते हैं। फ्यूचर्स मैंने जितना मैंने समझा सर कि अभी हम फरवरी में हैं तो अगर मार्च का व्यू अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल एसबीआई का, अगर मुझे लगता है कि 450 टच करेगा एसबीआई तो मैं उसके फ्यूचर्स को बाय करूंगा, और अगर लगता है कि मुझे कि नहीं ये इधर से फॉल करेगा 250-300 पे आ जाएगी तो मैं उसे सेल करूंगा। सेल करोगे राइट। तो फ्यूचर का तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। फ्यूचर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बेसिक देखो बेसिक फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है कि वो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपका रिस्क आपको मैनेज करने का इंस्ट्रूमेंट है राइट। आप सर हाँ फ्यूचर्स का देखो मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर्स का बेसिक जो फ्यूचर्स का फ्यूचर्स को जो इन्वेंट किया है फ्यूचर्स जो मार्केट में आया वो रिस्क को मैनेज करने के लिए आया था। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास जो फार्मर है उसके पास वीट का एक जो फसल है वो आएगा अप्रैल के अंदर राइट। उसके पास अभी उसके पास उसके गोडाउन में वीट नहीं है, वो उसको अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल में उसको मिलेगा, तो उसका रिस्क है कि वो मुझे जो अप्रैल में फार्मर की रिस्क है कि कहीं ये आज का 12,000 का भाव गिर ना जाए और मुझे अप्रैल में क्या पता सस्ते में ना बेचना पड़े राइट। तो सस्ते में ना बेचना पड़े वो रिस्क है उसकी, तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए वो आज के भाव में वो बेच देगा और डिलीवरी देगा जो बायर है उसको डिलीवरी देगा अप्रैल में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट फ्यूचर का ये है कि रिस्क मैनेज कैसे करना है, आज 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको कैसे रिस्क मैनेज करना है। बट हम पोजीशन हम जो मार्केट में पोजीशन लेते हैं वो लेते हैं कि हमारा व्यू है मार्केट में बुलिश व्यू कि यार एसबीआई क्या पता 450 टच कर जाए। तो मार्केट में आप दो तरीके से इसको बाय कर सकते हो, या तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इक्विटी बाय कर लो, या फिर अगर आपको लेवरेज करना है
लेवरेज मतलब आप अब जैसे आप फ्यूचर एसबीआई का फ्यूचर एसबीआई अभी 400 पे ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर एसबीआई का लॉट साइज है 3000 का, 3000 इंटू आज की प्राइस 4000, 400 हो गया आपका 12 लाख का एसबीआई का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इंडिया में एनएससी के अंदर फ्यूचर्स 3 महीने के ट्रेड करते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ गिवन टाइम 3 महीने के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, फरवरी का फ्यूचर ट्रेड करेगा, मार्च का फ्यूचर ट्रेड करेगा और अप्रैल का फ्यूचर ट्रेड करेगा, राइट। अगर आपका व्यू है कि एसबीआई फरवरी के अंदर ही 450 चला जाए तो आप हो सकता है आप उसको फ्यूचर्स के पोजीशन मार्केट के अंदर, आप फ्यूचर्स के अंदर मार्केट बाय कर सकते हो, बट आपने बिना आपके पास अपनी रिस्क को हेज करने के लिए आपने फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन लिया है, इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव पोजीशन। स्पेक्युलेशन बेसिकली होता है कि स्पेक्युलेशन वही होता है कि अगर खरीद लिया बेच दिया, आपका व्यू है ऊपर जाएगा या अगर आपका व्यू है नीचे जाएगा, तो बेसिकली स्पेक्युलेटिव पोजीशन होती है आपकी, जो बिना आपका इंटेंशन नहीं है, आपका ये इंटेंशन नहीं है कि आपको 450 की एसबीआई की फ्यूचर की आपको डिलीवरी लेनी है। सपोज मैं आपका आपने जैसे बोला कि आपका व्यू है कि एसबीआई 450 जाएगा, राइट, और आपने फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, आपने फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है, आपका व्यू है कि 450 जाएगा एसबीआई, बट सपोज इन केस वो फरवरी में 450 नहीं जाता है, तो बेसिकली आप उसकी क्योंकि आपने बाय किया है फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स का बेसिक फंडा है कि आपने बाय किया मतलब आपको डिलीवरी लेनी है, बट आपको डिलीवरी नहीं लेनी है तो इसका मतलब आपने एक स्पेक्युलेटिव पोजीशन क्रिएट किया मार्केट में फ्यूचर्स के थ्रू। सर तो डिलीवरी लेनी होगी तो सर मुझे तो पूरा कैपिटल फिर रखना होगा 12 लाख की। डिलीवरी लेनी होगी तो आपको पूरा कैपिटल रखना होगा, तो ये आपने डिलीवरी लेने की पोजीशन को आप एक तरह से हेजिंग पोजीशन बोलोगे, और क्योंकि आपको डिलीवरी नहीं लेनी है तो ये होगा एक आपका स्पेक्युलेटिव पोजीशन। स्पेक्युलेटिंग तो सर अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को मार्च तक कैरी फॉरवर्ड करना चाहूं तो मार्च के अंदर आप कैरी फॉरवर्ड लिया है, आपने फरवरी का फ्यूचर्स परचेज कर लिया है, आपका व्यू है कि यार 450 जाएगा, तो आप क्या करोगे कि फ्यूचर्स देखो एक चीज है ना, फ्यूचर्स मैंने जैसे बोला था कि फ्यूचर्स हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करेंगे, या तो प्रीमियम पे ट्रेड करेंगे या डिस्काउंट पे ट्रेड करेंगे। तो सपोज एसबीआई का क्योंकि अभी देखो एक मैं मतलब रोल ओवर कैसे करते हैं, इसको बेसिकली रोल ओवर का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फ्यूचर्स को आप फरवरी से मार्च में कैसे लेके जाना है, मार्च से अप्रैल में कैसे लेके जाना है, और अप्रैल से मई में और जून में कैसे लेके जाना है, तो बेसिकली ये रोल ओवर का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आपने सपोज 400 रुपए में एसबीआई का फ्यूचर बाय किया है, फ्यूचर सपोज स्पॉट प्राइस से 1 रुपए प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, स्पॉट अभी 400 है, फ्यूचर 401 पे ट्रेड कर रहा है, और वो 25th को अगर वो जैसे एक्सपायर हो जाएगा, फ्यूचर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट 25th को एक्सपायर हो जाएगा, और सपोज इन केस आपका लॉस होता है उस दिन, हो सकता है 400 में एक में आपने परचेस किया और 390 आ जाए, तो अब आपको है कि यार लॉस बुक नहीं करना है, अब इसको लॉस को अगले महीने कैसे मतलब अब व्यू है कि हाँ यार हो सकता है अभी 2-4 दिन के लिए नीचे है, आगे जाके ऊपर हो जाए, मेरा 400 के ऊपर चला जाए, या मैं अपना एग्जिट कर लूँ पोजीशन में, एग्जिट कर सकता हूँ, तो आप क्या करोगे, फरवरी का जो फ्यूचर आपने बाय किया है 25th को एक्सपायरी से पहले, मार्केट की ऑब्वियसली बात है क्लोजिंग से पहले आप उसको सेल कर दो, फरवरी का जो फ्यूचर है सेल कर दो, और मार्च का फ्यूचर हाथों हाथ बाय कर दो, तो आपकी वो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट मंथ में। मैंने प्रेजेंट पोजीशन को सर स्क्वायर ऑफ करके फ्रेश मार्च की पोजीशंस को हम ले लें, फ्रेश मार्च में आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी, राइट। अब इसमें देखो फ्यूचर्स के अंदर रोल ओवर के अंदर अगर ऐसा है ना कि फ्यूचर्स की रोल ओवर की कॉस्ट होती है, एक फ्यूचर्स रोल ओवर कॉस्ट का भी कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जैसे मैं बताऊं अगर आपको, तो निफ्टी का अगर मैं लूं तो 15,000 की निफ्टी प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है 15,100 पे, तो क्या होगा एक्सपायरी के दिन फ्यूचर्स की प्राइस ऑफ और स्पॉट प्राइस दोनों दोनों साथ में आ जाएगी। एक्सपायरी के दिन न तो बहुत ही छोटा प्रीमियम होगा या बहुत छोटा डिस्काउंट होगा, अगर निफ्टी 15,000 पे ट्रेड करेगा स्पॉट में तो फ्यूचर उसका 25 फरवरी को एक्सपायरी के दिन हो सकता है 5 रुपये प्रीमियम पे ट्रेड करे 15,005 पे, या हो सकता है 14,995 पे ट्रेड करे, तो ये मतलब फ्यूचर्स और स्पॉट प्राइस एक्सपायरी के दिन बराबर हो जाएगी, प्रीमियम और डिस्काउंट खत्म हो जाएगा क्योंकि आज ही वो फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा, और आज के आज में कितना डिफरेंस हो जाएगा। बट
मार्च का जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसको अभी 25 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी 25 दिन पड़े हैं, तो हो सकता है मार्केट और ऊपर रैली कर जाए, तो वो मार्च का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो सकता है 100 रुपीज या 150 रुपीज प्रीमियम पे भी ट्रेड करेगा, वो उस दिन की एक्सपायरी के दिन की मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो आपका 15,000 का जो आज की तारीख में फ्यूचर्स, फरवरी का फ्यूचर आपका ट्रेड करेगा 15,000 में, और मार्च का फ्यूचर ट्रेड करेगा 15,150 में। तो आपको अगर आज फरवरी से मार्च में पोजीशन अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फरवरी का फ्यूचर जो उसकी मार्केट में अभी वो रेट चल रही है 15,000 की, आप 15,000 में उसको सेल कर दो, फरवरी का फ्यूचर आपका हो गया सेट ऑफ, बाय और सेल पोजीशन आपकी सेट ऑफ हो गई। आपने फरवरी के फ्यूचर में एक बार तो लॉस बुक कर लिया, और करना पड़ेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपायर हो जाएगा 25 तारीख को। अब आपने 15,000 पे मार्केट है, आप क्या करोगे, क्योंकि आपको बुलिश पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है अगले महीने, तो हाथों हाथ आप मार्च का पोजीशन आप बाय कर लोगे। बट मार्च का पोजीशन फ्यूचर्स का रोल ओवर के अंदर लॉस ये होता है हमारा कि वो प्रीमियम पे ट्रेड करेगा, 15,000 पे मार्केट है और वो मार्च का फ्यूचर है 15,100 पे, तो आपका 100 रुपए का वो जो प्रीमियम है वो आपका लॉस होगा, वो आपकी कॉस्ट आएगी फ्यूचर की, मतलब वो सर एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। हाँ सर, वो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। अब जैसे मैं आपको बताऊं ना, आप जैसे बताओ सर, एक छोटा सा सवाल था सर, वो जैसे ऑप्शंस में टाइम डीके होता है प्रीमियम का, ये फ्यूचर्स में भी सेम कुछ वैसा फंडामेंटल है क्या? नहीं, फ्यूचर्स के अंदर ये जो आप डायरेक्टली रिले करता है स्टॉक के प्राइस के ऊपर, फ्यूचर्स का स्टॉक मेजरली तो स्टॉक के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ पार्ट होता है कि आगे एक्सपायरी के दिन तक क्या व्यू है, अगर बहुत ही ज्यादा व्यू है, बुलिश व्यू है, तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा, और एकदम ही बेरिश व्यू है कि यार सब कुछ खत्म हो जाने वाला है आज, या चाइना इंडिया ने मतलब बहुत एक बड़ा वॉर हो गया चाइना और इंडिया में, या आज वॉर अनाउंस हो गया, किसी ने न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया, नॉर्थ कोरिया ने कुछ कर दिया, और बहुत ही ज्यादा बेरिश व्यू हो गया मार्केट में, तो वो उसी दिन सेम डे फ्यूचर 100 रुपए प्रीमियम से सीधा 200 रुपए डिस्काउंट पे भी आ जाएगा। मार्केट आपका स्पॉट प्राइस हो सकता है 200 रुपए फॉल ना करे, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपका सपोज 15,000 का आज की तारीख में, आज सपोज हम बात करें 15,100 पे हम निफ्टी का फ्यूचर है, सॉरी निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, और फ्यूचर 15,200 पे 100 रुपए का प्रीमियम है, आज शाम को मतलब नहीं मानना चाहिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाता है, तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो फ्यूचर्स का जो है वो 100 रुपए से सीधा 100 रुपए डिस्काउंट पे जाएगा, प्रीमियम से सीधा डिस्काउंट पे जाएगा। तो हम फ्यूचर्स को कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, फ्यूचर्स को कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल करते हो कर सकते हो, बट एक ये है कि हाँ एक्सपायरी के आसपास, क्योंकि एक्सपायरी आने वाली होती है तो आपका फ्यूचर्स का मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक अगर आपका स्टॉक का है तो मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपको स्टॉक की डिलीवरी नहीं लेनी है तो उसको आप स्क्वायर ऑफ कर दो एक्सपायरी से पहले, एक दिन पहले आप स्क्वायर ऑफ कर दो और नेक्स्ट एक्सपायरी में आप पोजीशन ले लो। तो जैसे अगर हमने बाय किया है और सेल नहीं किया तो पूरा पैसा अरेंज करके फिर उसको डिलीवरी ले सकते हैं, पूरा पैसा आप अरेंज करके डिलीवरी ले सकते हो। ये सिर्फ लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई डिलीवरी होता नहीं है, तो इंडेक्स में कैश सेटलमेंट होता है। आपकी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो आपका कैश सेटलमेंट हो जाएगा, वो या तो लॉस होगा तो अकाउंट में से कट जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो अकाउंट में आ जाएगा। अभी जैसे मैं टाटा मोटर्स का फरवरी का फ्यूचर्स ले लेता हूँ 500 का या 450 का, तो मेरे को मालूम है टाटा मोटर्स अभी नहीं तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जाएगा। हाँ, तो मैं लेने के बाद वेट करता हूँ, बट इट दैट इवेंट डजंट हैपन बिफोर माय एक्सपेक्टेड डेट, तो
हाँ बिफोर एक्सपायरी इट डजंट हैपन बट आई एम श्योर दैट वो नेक्स्ट मंथ होगा तो रादर देन कटिंग माय लॉसेस आई कैन टेक डिलीवरी डिलीवरी भी ले सकते हो आप और थोड़ा सा फ्यूचर में कॉस्ट डिलीवरी ले सकते हो। 400 रुपए का टाटा मोटर्स है लॉट साइज के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसकी आपको, लेकिन कैश का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट में और फिर आपको डिलीवरी मिल जाएगी उसके केस में और कैश okay. आपके अकाउंट में डिडक्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो राइट ऑफ होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो लिखते हैं उसका कॉस्ट बायर को बियर करना पड़ता है क्या सेलर को? नहीं कॉस्ट कौन सा, कॉस्ट तो कुछ नहीं होता ना इसमें। अच्छा मतलब आप रोल ओवर का कॉस्ट बोल रहे हो ना? हाँ वो जरूरता का कॉस्ट हो हमारा उसी का लग रोल ओवर का ट्रांजैक्शन पहले। हाँ जैसे मतलब आप सपोज टाटा मोटर्स का जो आज की तारीख में 25 तारीख को सपोज स्पॉट होता है 400 पे और फेब्रुवरी का जो फ्यूचर्स है मार्च का जो फ्यूचर है वो 405 पे ट्रेड कर रहा है तो 5 रुपए की कॉस्ट तो बायर को बियर करनी पड़ेगी। ओके ओके गॉट इट। क्योंकि प्रीमियम आपको पे करना पड़ गया और सपोज 400 आपका व्यू है कि यार मार्केट ऊपर जाएगा सॉरी टाटा मोटर्स ऊपर जाएगा और मार्च में भी अगर वो ऊपर नहीं जाता है तो आपको अप्रैल में फिर वो रोल ओवर करना पड़ेगा। तो मार्च से जब अप्रैल में रोल ओवर करोगे तो उस वक्त भी आपको प्रीमियम जो स्पॉट प्राइस से डिफरेंस में जो ट्रेड कर रहा है वो फ्यूचर, तो वो प्रीमियम 3 रुपए का है 2 रुपए का वो भी आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो प्रीमियम है डिफरेंस है स्पॉट और फ्यूचर का वो आपका कॉस्ट हर महीने रोल ओवर में आपका इंक्रीज होता जाएगा तो वो आपका लॉस उसमें वो ऐड होता जाएगा। ठीक है फ्यूचर्स पे किसी को कुछ पूछना है तो देखो फ्यूचर्स में क्या है ना फ्यूचर्स में बेसिकली आपका व्यू है ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा मतलब सबसे बेस्ट पोजीशन तो यही है। अगर आपका बुलिश व्यू है तो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है फ्यूचर्स के अंदर क्योंकि आप 11 लाख का निफ्टी 1,75,000 में परचेज कर रहे हो सबसे बेस्ट पोजिशन होती है फ्यूचर्स की। 1 रुपया निफ्टी ऊपर जाएगा फ्यूचर का भी कॉन्ट्रैक्ट 1 रुपये ऊपर जाएगा। आपने किसी ने जैसे ऑप्शंस में ट्रेड किया हो तो हो सकता है उनको पता हो कि ऑप्शंस ऐसे बिहेव नहीं करते। कॉल ऑप्शन अगर सपोज आपने बाय किया तो निफ्टी 1 रुपये जाएगा तो कॉल ऑप्शन हो सकता है 50 पैसा ऊपर जाएगा खाली। निफ्टी अगर 100 रुपीज इंक्रीज करेगा तो निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन है वो हो सकता है अगर आपने एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया है तो हो सकता है वो 50 रुपये इंक्रीज करेगा। तो फ्यूचर्स का सबसे बेस्ट चीज यही है कि आपने कम पैसों में आप ज्यादा इन्वेस्ट ज्यादा वैल्यू की चीज आप परचेज कर रहे हो। 1,75,000 में 11 लाख का माल आपने खरीद लिया और आपका जो प्रॉफिट होगा वो 11 लाख के हिसाब से होगा। 10% उसको इंक्रीज होता है 1,11,00,000 पे तो वो उतना आपका प्रॉफिट होगा। बट सबसे खतरनाक और सबसे जो चीज यही है कि लॉस भी उतना ही होता है फ्यूचर्स के अंदर। आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी है तो आप उसको फ्यूचर्स को होल्ड करो लॉस बियर करने की कैपेसिटी। अगर नहीं है तो फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए किसी को। सर एक क्वेश्चन और है फ्यूचर के केस में ही मेरे पास जैसे 10 लाख का कैपिटल है या फिर मेरे पास 50 लाख का कैपिटल है और मैं 10 लाख ही रोज फ्यूचर में डालता हूँ 40 लाख का मैं अपने पास मार्जिन रख के चलता हूँ और मेरा जो है फ्यूचर जो है डाउन जा रहा है तो रादर देन बियरिंग द लॉस आई कैन put all money and can buy that na? Yes you can buy that because you I can, have money you have money then you can take delivery you can take delivery of 10 lakh rupees like TCS ka abhi contract value 10 lakh ka hai to aap TCS ka 300 ka lot size hai to 300 share aap market mein purchase kar lo aap futures ke andar jab bhi wo TCS ka wapsi se price recover karega to aapka loss bhi sara recover ho jayega। तो बेसिकली लोगों ने यही किया ना। देखो सारा खेल फ्यूचर के अंदर आपकी कैपेसिटी का है। जैसे मैंने अपने फेब्रुवरी के अंदर आपको मार्केट में अगर कोई था उसको पता होगा निफ्टी 12,000 पे ट्रेड कर रहा था विद इन 1 मंथ। अगर किसी ने उस वक्त लॉन्ग पोजीशन अगर ली होती फ्यूचर्स के अंदर क्योंकि आपका लॉस अनलिमिटेड है यहाँ पे आपको लॉस से यहाँ पे फ्यूचर्स से बचाने के लिए कोई नहीं है कुछ नहीं है। आपका जितना मार्केट 1 रुपया निफ्टी गिरेगा आपको 75 रुपए का लॉस होगा 2.10 पॉइंट गिरेगा 750 का लॉस होगा। तो निफ्टी 12,000 से 7,500 रुपया आ गया
आप मान के चलो 6,000 रुपये अगर आपका सपोज वो लॉस है, तो 6,000 × 75 तो वो हो गया 9 लाख, कितना, 4.5 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो किसी का अगर निफ्टी का वो 4.5 लाख लॉस होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं था, वो तो मार्केट से आउट हो गया, बाहर हो गया, खत्म हो गया वो तो। बट अब आयरनी देखो, वो मार्च का निफ्टी आज 7,500 से आज 15,000 हो गया। तो जिसने अपना जिसने अपना मार्च के अंदर लॉस बुक कर दिया फ्यूचर्स के अंदर, उसका अब आप सोचो क्या मतलब हालत हो रहा होगा, कि मतलब 4.5 लाख का उसने लॉस बुक कर दिया। अगर वो उसकी कैपेसिटी होती और वो फ्यूचर का पोजीशन अगर होल्ड कर सकता और होल्ड करता तो उसका लॉस भी नहीं होता, और 12,000 से 15,000 निफ्टी उसको 3,000 मतलब 4.5 लाख रुपए 2,25,000 रुपए का प्रॉफिट भी होता। तो सब होल्डिंग कैपेसिटी का खेल है मार्केट के अंदर, सब होल्डिंग कैपेसिटी का खेल है। छोटा कैपिटल के अंदर देखो लॉस होने के चांसेस और मार्केट से आउट होने के चांसेस बहुत होते हैं। मार्केट के अंदर अगर आपकी थोड़ी कैपिटल है तो आप टिके रह सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो। बट कैपिटल का मतलब ये भी नहीं है कि मेरे पास 50 लाख की कैपिटल है और मुझे नहीं पता फ्यूचर काम कैसे करता है, ऑप्शन काम कैसे करता है, और मैंने बाय कर लिया जाके आंख बंद करके, और वो तो लॉस हो जाएगा। 50 लाख का भी लॉस होता है, 1 करोड़ का भी लॉस होता है, सब होता है। तो आपको कैपिटल भी रिक्वायर्ड होता है, नॉलेज भी रिक्वायर्ड होता है। जैसे लोग क्या करते हैं, लोग ज्यादा रिस्क कब लेते हैं फ्यूचर में, कि आपकी 10 लाख की कैपिटल है बट 10 लाख के अंदर आप 5 निफ्टी के लॉट परचेज कर सकते हो। 5 लॉट का मतलब हो गया 50 लाख का माल, 50 लाख की वैल्यू का माल आपने 10 लाख में परचेज कर लिया। अब निफ्टी अगर 5% नीचे आता है, मतलब 50 लाख के ऊपर आपका 5% का लॉस हो जाता है, तो 5 लाख का लॉस हो गया। तो 5 लाख का लॉस मतलब आपका 50% कैपिटल साफ, क्योंकि आपकी 10 लाख की कैपिटल थी, 50% आपकी कैपिटल साफ हो गई। तो आपके पास अगर 50 लाख की कैपेसिटी नहीं है तो आप ये आप लॉस बियर नहीं कर पाओगे। अगर आपकी 50 लाख की कैपेसिटी है तो ये 5 लाख की आपकी लॉस बियर करने की कैपेसिटी है, और आप उसको होल्ड करोगे। आप सोचोगे यार ठीक है कोई बात नहीं, 5 लाख का लॉस हुआ है, वापिस ऊपर आएगा, मेरी कैपेसिटी है होल्ड करने की, मुझे क्या है, मार्जिन ही तो वापिस देना पड़ेगा थोड़ा सा, 5 लाख का ये मैंने मार्जिन ऐड कर दिया और होल्ड किया उसको। अब जिस आदमी ने 7,500 से वापिस से होल्ड करना, अगर उसने होल्ड करके रखा होता तो वो अभी लॉस 4.5 लाख की लॉस की जगह 2,25,000 के प्रॉफिट में बैठा होता। तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो। वही मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया था कि नेवर ट्रेड इन फ्यूचर विद स्मॉल कैपिटल और विदाउट नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट। हाँ जी, आपने यहाँ पे टिकट छे अश्विन वैनी पारडी। हाँ कंफर्म के आज है ने, तुम्हारे वापी थी कितना के बस ऊपर से, अरे वापी के किसी का इस पे फ्यूचर्स के अंदर कोई। हाँ ये मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं अभी चेक कर रहा था बात आपके सुनते सुनते कि भारतीय एयरटेल का मैंने फ्यूचर्स का चेक किया कि क्या लॉट्स हैं, तो आईसीसी की साइट पे 3 लॉट दिख रहे हैं, तीनों में 1851 की क्वांटिटी दिख रही है। फिर उसमें था व्यू मार्जिन, जब मैंने व्यू मार्जिन किया तो एक में कुछ 2 लाख का मार्जिन दिख रहा है, एक में 1.5 लाख का, एक में 67,000 का मार्जिन दिखा रहे हैं वो। तो ऐसा अलग अलग मार्जिन क्यों है, और मार्जिन है क्या चीज, दोनों चीज समझ नहीं थी मुझे। नहीं मतलब आप क्या बोल रहे हो, भारतीय एयरटेल का कौन से कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा? भारतीय एयरटेल का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट देखा मैंने। कौन सा मतलब, फरवरी मंथ मंथ बेसिस भी, मंथ के ऊपर भी आपका मतलब, आप बोल रहे हो कि फरवरी मार्च और अप्रैल तीनों का मार्जिन अलग अलग है रिक्वायरमेंट? हाँ अलग अलग मार्जिन है आईसीएसई की साइड। नहीं एक मिनट रुको, मैं जैसे आपको जीरोधा की साइड पे लेके चलता हूँ आईसीसी का। यार ऐसा होता तो मार्जिन तो एक मिनट, इसी में दो क्वेश्चन थे, ये मार्जिन है क्या चीज, मतलब ये मार्जिन मुझे इतना खत देना पड़ेगा अभी। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले ये कि मार्जिन अलग अलग क्यों है इक्विटी। हाँ जी या तो मंथ वाइज के हिसाब से है मार्जिन अलग अलग। नहीं 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 देखो, जैसे ये रहा भारतीय एयरटेल आपके सामने, भारतीय एयरटेल फरवरी मार्च और अप्रैल सबका लॉट साइज 18,051 है। लॉट साइज का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर्स,
इसके एक लॉट का मतलब 1851 शेयर का ये लॉट है। मार्जिन आप देखो इसमें 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000, 2,80,000 के आसपास ही मार्जिन है। अब ये सारे फरवरी वाले हैं? नहीं 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 नहीं, जैसे आप ये देखोगे ये है 25th फेब, ये है 25th मार्च और ये 25th अप्रैल। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एनएससी आपको सिर्फ 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट देता है, 3 महीने के एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट देगा। right. आपको दिसंबर 2021 right. का भारतीय एयरटेल नहीं मिलेगा। तो तीनों का है, मार्जिन सेम होता है इसमें। okay. और अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि मार्जिन मार्जिन शेयर टू शेयर डिपेंड करता है। जैसे आप देखो यहाँ पे 1851 और 600, तो ये आपका हो गया 6 और 8, 6, 48, तो आपका भारतीय एयरटेल बेसिकली 11 लाख का लॉट साइज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया 11 लाख के। आपको मार्जिन लग रहा है 2,75,000 का, तो बेसिकली ये है 25% मार्जिन। 25 टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 25% जितना पैसा आपको अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, ये तो हो गया मार्जिन, ये मार्जिन है। अब किसी ये भारतीय एयरटेल का 25% मार्जिन नॉर्मल मार्जिन क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा वोलेटाइल है, ये उतार चढ़ाव इसमें बहुत ज्यादा आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रोकर्स हैं या एनएससी है वो सबकी सेफ्टी के लिए एक्सचेंज ने 25% मार्जिन देख रखा है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, कोई एक शेयर है जो थोड़ा कम वोलेटाइल है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट? हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देखो यहाँ पे मार्जिन इसका 18% है, 18-19%। तो ये थोड़ा सा कम वोलेटाइल है, तो इसका मार्जिन एज कम्पेयर टू भारतीय एयरटेल कम है। अच्छा, सबसे ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक जैसे आप बोलोगे तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, या अभी ये हम बात करें वोडाफोन इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा का 50% तक आपको मार्जिन देना पड़ेगा, तो मार्जिन 50% दे, उससे अच्छा आदमी कैश में जाके बाय कर ले। मतलब इसका 8 लाख का लॉट साइज है और उसको 4 लाख उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो फ्यूचर्स के अंदर लेवरेजिंग तो आप कम वोलेटाइल या अच्छे शेयर्स में कर सकते हैं, जैसे आइडिया का आपने बताया, तो इसका 63% का मार्जिन उसका बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है, राइट? अब जैसे जैसे आप मान के चलो भारती का मार्जिन, आपने जैसे बोला मार्जिन के बारे में, अगर मैं बताऊं तो मार्जिन आपको क्या मेंटेन करना है, तो इस मार्जिन का 2,75,000 का मैं सेफ साइड में लेके चलूंगा कि यार चलो 2,75,000, 2,80,000 का मार्जिन पकड़ के चलते हैं कि आपको भारतीय एयरटेल का जब तक आपके पास फ्यूचर पोजीशन है तब तक आपको 2,80,000 का मार्जिन या कैश बैलेंस आपको अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। राइट राइट, अच्छा मैं कैश बैलेंस बोल रहा हूँ वैसे, बट कैश बैलेंस की जगह आप प्लेजिंग का भी एक कंसेप्ट है, जहाँ पे आप कैश नहीं भी रखो फ्यूचर के पोजिशन में तो भी चलता है। ये कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट है, मैं ट्राई करूंगा एक अलग से मैं कुछ बताऊं इस पे, बट कैश रखने की जरूरत नहीं है, आपको मार्जिन रखना है। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो आपने क्या किया कि सपोज म्यूचुअल फंड, राइट, लिक्विड म्यूचुअल फंड हो गया, एक HDFC का लिक्विड म्यूचुअल फंड आपने बाय कर लिया, लिक्विड फंड HDFC लिक्विड फंड आपने बाय कर लिया 5 लाख रुपए का। जीरोदा का कॉइन ऐप है, आपने 5 लाख रुपए का कॉइन पे जाके आपने 5 लाख रुपए का HDFC लिक्विड फंड खरीद लिया, 5 लाख के हिसाब से आपको यूनिट्स आपको अलॉट हो गए। आप क्या कर सकते हो, जीरोदा के कंसोल में जाके उस 5 लाख के म्यूचुअल फंड को जीरोदा को आप प्लेज कर सकते हो। प्लेज बेसिकली आपने गिरवी रख दिया, आपने अपने 5 लाख के म्यूचुअल फंड को जीरोदा को गिरवी रख दिया, उसके अगेंस्ट में जीरोदा आपको 90% तक की लिमिट देगा। 5 लाख का 90% हो गया 4.5 लाख रुपए, तो 4.5 आपको कैश बैलेंस मेंटेन करने पड़े नहीं पड़ेगी, वो 4.5 लाख रुपए का जो लिमिट आपने जीरोदा ने आपको दी है उससे आप फ्यूचर्स का ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि उस क्योंकि आपने लिक्विड फंड है, लिक्विड फंड को कैश ट्रीट करते हुए वो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता उस पर, तो आपने अपने 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट भी अर्न कर लिया लिक्विड फंड से और यहाँ पे उसका यूज भी ले लिया, तो उसका 2 तरह से आपने यूज कर लिया। अच्छा, इसमें M2M का एक कॉन्सेप्ट है, अगर M2M का कॉन्सेप्ट अगर किसी को नहीं पता है तो अगर आप है तो अगर पूछ सकता है कोई। M2M का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? नहीं पता M2M क्या है? M2M का कॉन्सेप्ट देखो, वैसे स्लाइड में
जैसे मैं भारतीय एयरटेल के अंदर ही बात करूं, 1851 लॉट साइज है इसका, प्राइस चल रहा है अभी 600, 1851 600 पे अपने सपोज आपने परचेस किया और मंडे को परचेस किया और मंडे को इंट्राडे के अंदर भारतीय एयरटेल 40-40 पॉइंट से गिर जाता है, तो आपका 1851 इंटू 40 आपका लॉस हो गया 74,000 का, राइट। 74,000 का क्या होगा, एम टू एम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 74,000 का जो लॉस है वो आपको आज पे करना पड़ेगा, मार्क टू मार्केट आज का लॉस आपको आज पे करना पड़ेगा। आप अगर अकाउंट में 3 लाख रुपए लेके चल रहे हो और भारतीय एयरटेल में आपका लॉस हो गया 74,000 का, 40 पॉइंट्स अगर डाउन जाता है भारतीय एयरटेल, 74,000 3 लाख के आपके ब्रोकर आपके अकाउंट से 74,000 आज ही आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देगा, आपका अकाउंट बैलेंस आ जाएगा 2,25,000 पे, 3 लाख से आपका बैलेंस आ जाएगा 2,25,000 पे। बट भारतीय एयरटेल तो ये हो गया मार्क टू मार्केट। अब मंडे को आपका लॉस हो गया और ट्यूसडे को सपोज भारतीय एयरटेल रिकवर कर गया वापस से वो 40 पॉइंट डाउन से नेक्स्ट डे 40 पॉइंट्स अप हो जाता है, राइट। 40 पॉइंट्स फिर से वो 600 पे आ गया, मतलब 600 से 560 से वापस 600 अगले दिन, तो अगले दिन आपको वो आपकी आज की जो क्लोजिंग प्राइस है, मंडे की क्लोजिंग प्राइस और ट्यूसडे की क्लोजिंग प्राइस, उसका 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट, क्योंकि लॉस तो एनएससी और ब्रोकर ने आपने उसी दिन ले लिया, उस दिन का लॉस उस दिन ले लिया और नेक्स्ट डे आपको वो वापस से 75,000 मिल जाएगा, प्रॉफिट आपको वापस से मिल जाएगा। इसीलिए हर आज का प्रॉफिट आपको आज ही मिल जाएगा, आज का लॉस आपको आज ही पे करना पड़ेगा, मार्क टू मार्केट, ये होता है एम टू एम मार्जिन। सर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सर। हेलो, राइट, हाँ सर, जैसा भारतीय एयरटेल का यहाँ दिख रहा है सर, फरवरी का जो मार्जिन है 275 है, अप्रैल का 276 है और नहीं, मार्च का 276 है और अप्रैल का 277 है सर अप्रोक्स। तो ये तो सर मैंने क्योंकि मार्जिन में डिफरेंस 1,000 रुपए का है, तो ये तो ऑब्वियस है सर कि हम अप्रैल का ही लें क्योंकि हमें एक्सपायरी के लिए 2.5 महीने मिल रहे हैं, फरवरी के लिए मार्जिन हमेशा एक ही रहेगा। मैं आपको एक अप्रैल का, हाँ लेना चाहिए, बेस्ट है आप अप्रैल का लो, बट एक मैं आपको बताता हूँ इसका भी, अप्रैल का आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो आप जैसे जाओ भारतीय एयरटेल क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, आपका अप्रैल का लेने के अंदर बेनिफिट्स हैं, काफी बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे भारतीय एयरटेल देखो मेरे पास आइडिया का नेटवर्क है इसलिए आइडिया का शेयर नहीं चल रहा है। तो सर आप इस पे ट्रेड करते हो, आपको सर प्रॉब्लम नहीं होती है? यार मोबाइल पे तो नहीं होता है आज, पता नहीं, थोड़ा वीडियो वीडियो कॉल हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा हो रहा होगा। अब जैसे मैं बताता हूँ डेरिवेटिव्स, अब ये देखो अंडरलाइंग वैल्यू भारतीय एयरटेल का कल का फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस था 585, राइट। फरवरी का जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है 586, तो बेसिकली ये हो गया आपका 50 पैसे थोड़ा सा कुछ ऊपर है। मार्च का और ज्यादा है, 1 रुपया और ज्यादा, 87 है। और अप्रैल का और ज्यादा है, 5 रुपए का डिफरेंस है। 5 रुपए इंटू 185 करो, 1800, मतलब आपका ये 5 रुपए का डिफरेंस आपका हो गया 8-9 हजार रुपए का। वो 1800 से इंटू क्यों कर रहे हैं सर? लॉट साइज है ना। अच्छा लॉट साइज 1800 है, अच्छा पर शेयर 5 रुपए का। हाँ पर शेयर लॉट साइज 1800 है और अंडरलाइंग वैल्यू है 586 मान लेते हैं इसको, और ये 600
समथिंग है, तो ₹4 ऊपर है, तो 4 × 18 तो आपका प्रीमियम यहाँ पे हो गया ₹4 का, 4 × 18 तो ये डिफरेंस देखो आप यहाँ पे 590 और यहाँ पे फरवरी का प्रीमियम देखो, फरवरी का प्रीमियम सिर्फ ₹1 है और अप्रैल का प्रीमियम ₹4 है, तो आपको ₹4 प्रीमियम बोलेंगे, बट यहाँ पे प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, बट ये ज्यादा देना सही रहता है वैसे तो, ज्यादा देना सही रहता है क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने एक रोल ओवर का कॉन्सेप्ट, आपने जैसे किसी ने पूछा था यहाँ पे, रोल ओवर का कॉन्सेप्ट में होता है कि फरवरी का फ्यूचर, अब क्योंकि फरवरी की एक्सपायरी बहुत पास में है ना, तो इसका और अंडरलाइंग वैल्यू भारती एयरटेल का 585 ये बहुत पास में और क्लोजली मतलब आपस में बहुत ही कम प्रीमियम और डिस्काउंट पे ट्रेड करेंगे, बट मार्च वाला ₹2-₹3 ऊपर ट्रेड करेगा, तो जब आप 25 तारीख को जब आप रोल ओवर करोगे तो ये जो प्रीमियम है वो आपको पे करना पड़ेगा, और जो प्रीमियम की कॉस्ट है इसी को कहते हैं रोल ओवर कॉस्ट, जो ₹2-₹3 ऊपर चल रहा है ना, मार्च का कॉन्ट्रैक्ट ₹2-₹3 ऊपर चल रहा है, वो आपकी प्रीमियम कॉस्ट हो जाएगी। अप्रैल में वापस से आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, जब मार्च से अप्रैल में रोल ओवर करोगे तो वो वापस से आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये सब कॉस्ट नहीं देखिए, आप सीधा एक कर सकते हो कि अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया सीधा। अब तो इसमें वो जो लॉस होगा प्रॉफिट होगा सर, वो डेली बेसिस पे वो एडजस्ट होते रहेंगे? लॉस होगा प्रॉफिट होगा डेली बेसिस पे एडजस्ट होगा, डेली फ्यूचर का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो डेली बेसिस पे एडजस्ट होगा, आज का क्लोजिंग कल का ओपनिंग हो जाएगा और कल का ओपन और कल का क्लोज का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो वापस से एडजस्ट होगा डेली M2M लॉसेस। जैसे सर डिलीवरीज में होता है गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग, फ्यूचर्स में सेम चीज है होता है? यस सेम चीज होगा, फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर्स का प्राइस हमेशा उसके अंडरलाइंग जो वैल्यू है, अंडरलाइंग मतलब भारतीय एयरटेल का जो स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से ही चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मूव करेगा। हो सकता है थोड़ा ज्यादा मूव कर जाए क्योंकि ये गैप अप हुआ है अगर, राइट, अगर गैप अप हुआ है तो स्पेकुलेशन के अनुसार वो ज्यादा मूव करेगा। हाँ, उस वक्त मार्केट में क्या व्यू बन रहा है, क्या सेंटिमेंट है, अगर गैप अप हो गया बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज आ गई मार्केट में, तो हो सकता है कि स्पॉट प्राइस आपका ₹4 ऊपर ओपन हो या ₹50 ऊपर, अगर सपोज स्पॉट प्राइस ओपन होता है फ्यूचर्स का, हो सकता है ₹60 ऊपर ओपन हो, प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा उससे क्योंकि मार्केट का मूड अच्छा है, सेंटीमेंट अच्छा है, तो प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। सर ये जो मेरे अप्रैल का लिया है फ्यूचर, ये मैं मार्च में या फरवरी में भी सेल कर सकता हूं, स्क्वायर ऑफ कर सकता हूं? मार्च में या फरवरी में भी सेल कर सकते हो, बट अप्रैल का फ्यूचर देखो, अगर अप्रैल का फ्यूचर लेना इतना अच्छी चीज है तो लोग करते क्यों नहीं है? करेक्ट, क्यों नहीं करते? ये आप है ना लास्ट के दो कॉलम देखो, वॉल्यूम के लास्ट का कॉलम देखो, वॉल्यूम का यहाँ पे आपके अप्रैल के अंदर 40 का सिर्फ 40 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे उस दिन, और क्या कहते हैं फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे 13,000-14,000 के। आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम नहीं है, और जब वॉल्यूम नहीं होगी तो आपको प्राइस नहीं मिलेगी। हमें यहाँ तो दिख रहा है कि ये क्लोजिंग प्राइस 590 है, बट अगर आप बाय का ऑर्डर लगाओगे ना 590 का, वो आपको 590 में आपको कोई सेलर मिलेगा नहीं, वो आपको सेलर मिलेगा 595 पे, आपको प्राइस नहीं मिलेगी। जैसे ये बिड आस्क, मार्केट ऑर्डर बुक, आप ये लाइव मार्केट में एक बार देखना, आपको आपने अगर सपोज एक बार टेस्ट करना कि आपको अप्रैल का फ्यूचर लेना है और फरवरी का फ्यूचर लेना है, अगर सपोज आज कल मार्केट मंडे को जैसे ओपन हो रहा है तो 585 पे भारती एयरटेल का ओपन होता है, तो कल का जो फरवरी का फ्यूचर है वो आपको 585.50 में मिल जाएगा बाइंग के लिए, आप बाई कर सकोगे उसको। लेकिन आप अप्रैल का फ्यूचर जब आप बाइंग का ऑर्डर लगाओगे तो आपको 590 में नहीं मिलेगा, आपको सेलर नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं कौन सी प्राइस मिलेगी, तो इसलिए वो अप्रैल में जाते नहीं है। इन केस अगर आपको अच्छी प्राइस मिलती है, आप फ्यूचर चेक फरवरी का फ्यूचर चेक करने से पहले ट्राई कर लो कि अप्रैल में अच्छा प्राइस मिल जाए, आपको कम प्रीमियम मिल जाए, स्पॉट और फ्यूचर का जो डिफरेंस है कम प्रीमियम में अगर आपको कोशिश कर लो मिल जाए, ऑर्डर लगा के रख दो, अगर मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, लेकिन मिलने के बाद अगर जब आप बेचने जाओगे वापस से तो फिर से आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा,
फिर से वापस से बेचने जाओगे तो प्राइस आपको आपके मर्जी के हिसाब से प्राइस नहीं मिलेगा, पता नहीं कौन सा प्राइस मिल जाए, 2-3 रुपए आपका आप जैसे बी डेस्क का डिफरेंस क्या रहता है कि आपने बाइंग का ऑर्डर लगाया 590 का और भारतीय एयरटेल 2 रुपए ऊपर हो गया, तो आप सोचो कि यार 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 3600 का प्रॉफिट हो गया, चलो सेल कर देते हैं। आप सेल करने जाओगे आपको सेलर नहीं मिलेगा अप्रैल में, वो 2 रुपए का लॉस प्रॉफिट नहीं होगा, पता नहीं 2 रुपए का लॉस में ही बुक करना पड़ जाए। तो इसलिए हमेशा फरवरी करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, उसका सबसे अच्छे प्राइसेस मिलते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। अगर लेकिन ये प्राइस 50 रुपए से बढ़ गया, जैसे अभी भारतीय एयरटेल का फ्लक्चुएशन आया ही था 50 रुपए का आया, और उस समय मैं फिर डिलीवरी लेके फिर मैं इसे स्पॉट पे बेच सकता हूँ? डिलीवरी लेके स्पॉट पे बेचना मतलब, वो तो स्पॉट पे तो डिलीवरी लेके तो बेच ही सकते हो ना कभी भी। हाँ तो अगर समझे क्या है कि क्यों हम ऐसा कर सकते हैं, सपोज आपके पास 20 लाख रुपए हैं और आप 4-4 लाख रुपए का फ्यूचर 5-6 जगह लगा दो, और जहां पे आपको इमीडिएट प्रॉफिट आ गया वहां आप डिलीवरी, क्योंकि आपके पैसे तो नहीं, तो आप डिलीवरी लेके उसको स्पॉट में बेच दियो अगर आपको यहाँ कस्टमर नहीं मिल रहा है। डिलीवरी लेके स्पॉट में फिर आपको स्पॉट में आप नहीं बेच सकते, आपके पास जब है ही नहीं जब आपके पास कोई चीज नहीं है, तो इसीलिए तो मैंने फ्यूचर्स मैंने बीच में बोला था एक बार कि इक्विटी के अंदर आप शॉर्ट पोजीशन ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते हो, आप बेच कैसे सकते हो, आपके पास है ही नहीं वो। आप भारतीय एयरटेल के 1850 इक्विटी आप सेल नहीं कर सकते हैं, सेल तो आप वही चीज कर सकते हैं ना जो आपके पास है, डिलीवरी लेके सेल कर सकते। डिलीवरी लेके तो आपने फ्यूचर में भी, क्योंकि तो मैंने तो 590 में फ्यूचर में लिया था, आज उसका रेट सपोज 650 हो गया, तो मैं डिलीवरी लूंगा तो मुझे 590 के हिसाब से ही मिलेगी? नहीं, इसमें देखो आप कंसेप्ट देखो, आप इसमें आप फ्यूचर का फिर आप क्या करोगे मेरे को आप ये बताओ। मैं सपोज मैंने फ्यूचर में ये अप्रैल का परचेज कर लिया, 590 का मुझे मिल गया, मार्च में भारतीय एयरटेल 700 रुपए पे पहुंच गया, अब मुझे बेचना है और लेकिन मुझे फ्यूचर में कोई बायर नहीं मिला। ठीक है चलो, देखो एक इसमें कंसेप्ट है, फ्यूचर में अगर आपको बायर नहीं मिल रहा तो आपकी फ्यूचर की पोजीशन ओपन रहेगी। हाँ जी, पोजीशन ओपन रहेगी ना, तो ऑलरेडी आपने लॉन्ग पोजीशन तो आपने ले रखी है, तो आपको आपका आपको प्रॉफिट अगर बुक करना है तो बाय करे भी पोजीशन को आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आपको सेल करना है, या तो आप फ्यूचर में सेल करो या कैश में सेल करो। अब आप कैश में सेल कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास तो फ्यूचर में चल सकते हैं, वो फ्यूचर में ही सेल होगी, वो फ्यूचर में ही सेल करना पड़ेगा आपको। राइट राइट, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप मतलब फ्यूचर के अंदर फिर आप या फिर फ्यूचर में सेल करके और बट वो लॉन्ग पोजीशन तो आप फ्यूचर में कैरी कर ही रहे हो ना, आपको तो प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक तो आपको बेच के ही करना है, तो या तो आप कैश में बेचो या फ्यूचर में बेचो, कैश में बेचने तो फ्यूचर ही बेचना पड़ेगा। पर ठीक है, इतना भी मतलब अगर आपको 50-60 रुपये 700 रुपये हो गया, 600 से 700 100 रुपये इंक्रीज हो गया, तो फ्यूचर ट्रेड तो होता ही है थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको 700 की जगह आपको हो सकता है 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट की जगह 95 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, हो सकता है बीडास के अंदर 5 रुपये चले गए, 5 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो पाया, 95 का प्रॉफिट हो जाएगा। बट ये है, अगर आपका ये है कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप फरवरी का फ्यूचर में करो, अगर आपको 2-3 दिन के लिए करना है तो भी फरवरी के में ही करो, अगर आपका है कि नहीं यार मेरे को 1-2 महीने होल्ड करना है तो फिर आप अप्रैल का। राइट राइट, ठीक है, वो व्यू के हिसाब से।